हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चल राधा। और राधा कैसी है? जी दीदी बहुत अच्छी। राम राम बहनों। राम राम बहन। राम राम। और मंजू, मैंने सुना है तेरी बहू की तबीयत खराब हो गई है। हाँ बहन, उसे चक्कर आ गए थे। अच्छा, फिर क्या, अस्पताल ले गए। क्या कहा डॉक्टर ने? कछु कह तो रहा था ससुरा अंग्रेजी में, हम समझ नहीं पाए। हाँ बहन, डॉक्टर भी कहाँ सही से कुछ बताते हैं। चलो चलते हैं। अरे सुषमा, ये तो तेरी बहू है ना? मैं अभी आई। मैंने तुझे मना किया था ना मंदिर आने के लिए। तेरे महीने के दिन चल रहे हैं, अब यहाँ कुछ हो जाता तो चल जाए यहाँ से। क्या हुआ बहन, इतने गुस्से में क्यों है? नहीं नहीं बहन, कुछ नहीं। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। अरे बहन, अभी थोड़ी देर और बैठते हैं ना। नहीं नहीं मुझे थोड़ा कुछ काम है। मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ छुपा रही थी। हाँ मुझे भी लगा, उसकी बहू नहीं दिखी थी ना। हाँ, और कैसे गुस्से में आई थी। कुछ अच्छा किया मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर ने तो पैड पहनने को कहा है, अब पैड कैसे लाऊंगी मैं? अगर इनको पता चल गया तो ये क्या सोचेंगी। दिलीप बेटा, जरा पूजा की थाली लेके आना मेरी, मैं बाहर ही भूल आई हूँ। लाता हूँ। राम 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 राम। अशुद्ध कर दिया इसने मेरे पूजा घर को। हे भगवान, मुझे माफ करना। करमझली, मना किया था ना तुझसे यहाँ आने के लिए? किसने कहा तुझे पूजा की थाली लाने के लिए? क्या हुआ माँ, चिल्ला क्यों रही हो? पूछ अपनी गीता से क्या किया है उसने। मेरे तो कर्म ही फूट गए थे जो मैंने तुझे पूजा की थाली लाने के लिए कहा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था इसीलिए मैंने शिकार की जाके थाली दिया। तुझे पता नहीं है इसके महीने के दिन चल रहे हैं? मैं वो भूल गया था माँ। तू भूल गया था लेकिन इसे तो याद था। अरे माँ, इतनी सी बात पे क्यों बतंगड़ बना रही हो? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, तू आज अकेले कैसे आ गया? पापा लेने नहीं आते तुझे? पापा तो मुझे मार्केट छोड़ के चले गए, वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ काम है। अरे मेरे लाडला पोता आ गया। लाडी
हेलो। हाँ बोलो ना गीता, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन 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 क्या? वो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो। हाँ तो क्या बोला डॉक्टर ने? अरे आप पूरी बात सुनते नहीं, बीच में टोकते, पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बोलो क्या हुआ बताओ। वो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि कपड़ा यूज करने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा, तुम आराम करो। ठीक है। अच्छा सुनो। हाँ? माँ का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? हाँ उनका गुस्सा शांत है, रोहन के साथ टीवी देख रही है। अच्छा ठीक है मैं फोन रखता हूँ, काम बहुत है। ठीक है। अब कैसे समझाऊं उनको कि डॉक्टर ने कपड़े की जगह पैड यूज करने बोला है। अरे वहां गीता ने खाना खा लिया क्या? सुबह से उसने ना कुछ खाया और ना ही कुछ काम किया, दोपहर से लेटी हुई है। अरे माँ सुबह की बात पे अभी भी नाराज हो क्या? मैं होती कौन हूँ नाराज होने वाली? हमने भी अपने जमाने में कपड़ा इस्तेमाल किया है, तू मुझे मत सिखा। कपड़ा इस्तेमाल करने से बीमारियां होती हैं। मैं भी इन हालातों से गुजरी हूँ, तू मुझे मत सिखा कपड़ा इस्तेमाल करना है या पैड। माँ ये इस्तेमाल करने के लिए ही बना है। रोहन आया पापा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, रोहन को स्कूल भी छोड़ना है। अच्छे से जाना। हाँ
अभी अश्लीलता भी आप लोग समाज में फैलाने लग गए। अश्लीलता नहीं है मैम ये। क्या है? अगर सिगरेट पी सकते हैं सड़क पे तो पैट क्यों नहीं ले सकते? क्यों ले सकते बताइए, क्या हमारे जमाने में तो ऐसा? आपके जमाने से ये जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। तो जमाना आगे बढ़ा है ना, समस्या तो वही, सोच बदली है ना। समस्या वही है ना? समस्या वही नहीं है, आपने बना रखी है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। ये लोग समाज में भी अश्लीलता फैलाने लग गए। क्या हमारे जमाने में ऐसी बीमारियां नहीं थी? क्या हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था?